नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एरेटिकल रिजोल्यूशन में। मेरा नाम है धर्मेंद्र। हम लोग यहाँ बात करेंगे फर्स्ट कोविड वैक्सीन की, तो जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, पूरे देश को, पूरी दुनिया को। ठीक है, अब वो वैक्सीन आ चुकी है। पिछले इतने दिनों से हम जिस कोरोना महामारी से परेशान थे, उसको बचाने के लिए कोविड की फर्स्ट वैक्सीन रशिया ने लॉन्च कर दी है। चलिए बात करेंगे हम लोग इसी के बारे में कि क्या र्यूमर्स हैं, क्या सच्चाई है, क्या क्या चीज़ें हैं जो रशिया ने अभी वैक्सीन लॉन्च की है उसके बारे में। चलिए फिर डिस्कस करते हैं अभी। उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अदर मीडिया प्लेटफॉर्म से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके जितने भी PDF होंगे ये आपको सारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो प्लीज़ करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए और लोगों को बताइए कि ऐसे भी चैनल हैं जो इतने इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो उसको बनाने में, प्लीज़ करके लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए बात करते हैं फर्स्ट कोविड वैक्सीन के बारे में। तो लगभग 9 मंथ से हम लोग जिस बीमारी से परेशान थे, लगभग सबसे पहले ये चाइना में स्टार्ट हुई, उसके बाद वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में चली गई। तो रशिया अभी फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने COVID-19 वैक्सीन के सिविलियन ट्रायल पूरे कर लिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने ये ट्यूसडे को अनाउंस किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी डॉटर को ये वैक्सीन दी थी और वो ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए, ये रशिया ने अनाउंस किया था फर्स्ट वैक्सीन। चलिए फिर बात करते हैं इस वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन का नाम क्या, इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक लियो, और टफ नेम है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या नाम वैक्सीन का, गैम कोविड वैक लियो वैक्सीन है। ये किसने बनाया है, ये बनाया गैमिलिया इंस्टीट्यूट जो मॉस्को में है रशिया का, और वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, दोनों ने कोलेबरेट करके बनाया है। तो गैम कोविड वैक लियो वैक्सीन किसने बनाया है, गैमिलिया इंस्टीट्यूट रशिया में है जो मॉस्को में, और वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, दोनों ने कोलेबरेट करके बनाया है। इस वैक्सीन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो रशिया की जो वैक्सीन थी उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये इतनी जल्दी कैसे बन गई। इसका रीज़न था कि ये वैक्सीन उन्होंने DNA पे बनाया है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन होती हैं सब DNA बेस पे होती हैं। तो SARS-CoV जो वायरस है, इन्होंने इससे हेल्प लेके, और एक पुराना वायरस है एडीनो वायरस जो नॉर्मल जानवरों में होता है, कॉमन कोल्ड और फीवर वाला वायरस है, देखने में कुछ ग्रीन वायरस जैसा होता है। ये जो रेड वाला है ये कोविड वायरस है, जो ग्रीन वाला है ये वो जानवर वाला वायरस है, एडीनो वायरस। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एडीनो वायरस की कुछ हेल्प लेके और उसके कुछ सिम्टम को मिला के, उन चीज़ों को यूज़ करके, पैथोजेनर यूज़ करके, इन्होंने इसको स्टिमुलेट करके ह्यूमन रिस्पॉन्स के लिए बनाया है। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये वायरस, ये जो वैक्सीन है ये वर्क कैसे करती है। तो वैक्सीन के पहले क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम वीक हो जाती है, डेड लगभग होने वाली होती है। बट अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, तो हमारी बॉडी में ये जो वाई शेप देख रहे हैं, रेड रेड आप लोग, ऐसे ऐसे एंटीबॉडी बन जाती है। इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो एंटीबॉडी बनने के बाद हमारा बॉडी जो होता है लास्ट में एकदम परफेक्ट हो जाती है, जो किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए कंप्लीटेबल प्रोसेस में होती है। चलिए अब देखिए, कोविड वायरस होता क्या है, ये कोविड वायरस जो स्पाइक्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो कहाँ से इंटर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से ये इंटर करते हैं और हमें इन्फेक्ट करते हैं। बट इसके बारे में बहुत सारी, इस वैक्सीन के बारे में स्पेक्टिसिज्म है, और इसकी इफेक्टिवनेस को लेके और सेफ्टी को लेके, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतने कोई वैक्सीन कैसे बन सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या कहा है कि द सुपर फास्ट स्पीड एट विच द रशिया वैक्सीन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इस क्लेपिंग फ्रंट रनर्स लाइक। इन्होंने जो अदर वैक्सीन इनके पैरेलल में चल रही हैं, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनिका हो, मॉडर्ना हो, फिजर हो, इन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया है और अपनी वैक्सीन को काफ़ी आगे ले आए हैं। तो लोगों का, एक्सपर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉर्नर्स कट कर दिए, मतलब बीच के बहुत सारे जितने प्रोसेस तो उन्होंने गैप कर दिए हैं, और डैट वैक्सीन का लास्ट और फर्स्ट वाला ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और इन्होंने सिटीजन्स को रिस्क पर डाल दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि देख, कोई भी वैक्सीन होती है तो उसको बनने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, बट इन्होंने लेस देन 2 मंथ में बना दिया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ हो रहे हैं। बट इसमें होता क्या, देखिए, सबसे पहले जैसे किसी वैक्सीन का स्टार्ट करना है ट्रायल, तो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंटल ट्रायल होता है, लैब में होता है। उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो नॉर्मली चूहों पे, जानवरों पे, बंदरों पे, इन पे होता है। उसके बाद उसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर FDA अप्रूवल होता है लास्ट में, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इतना लंबा प्रोसेस जिसमें वर्षों लग जाते हैं, तो रशिया ने 2 महीने में कर दिखाया है, इसीलिए इसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी उठाए जा रहे हैं। बट रशिया ने इसका जवाब भी दिया था,
व्हाट हैव द वैक्सीन ट्रायल्स रिजल्ट शोन। देखिए रशिया की जो वैक्सीन है उसका रिजल्ट कह रहा कि रशिया हैज ओनली मेड अ पब्लिक रिजल्ट फेज वन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। इन्होंने ये कहा कि फेज वन का रिजल्ट बहुत अच्छा था, इसके सक्सेसफुल होकर लेके आगे हमने उस पर और काम करना स्टार्ट किया। इन मिड जुलाई, जुलाई के मिड में रशिया की जो एक एजेंसी है टासा न्यूज एजेंसी, उन्होंने ये कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो वॉलंटियर्स थे उनकी रिपोर्ट्स को देखा है और उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इनका फेज वन जो ह्यूमन ट्रायल था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 17 जून से, लगभग 76 लोगों पे इन्होंने स्टार्ट किया था। हाफ और इंजेक्टेड विद वैक्सीन, आधे लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगाया, इंजेक्शन लगाया था और बाकी को पाउडर दिया गया था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट क्या था कि इनका जो फेज टू ट्रायल था वो 13 जुलाई को स्टार्ट हुआ और डायरेक्ट इन्होंने 3 अगस्त को क्या क्या सीधे गेमिले इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लिए हैं और रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तीनों स्टेज के ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं, जबकि हुआ केवल 2 का था। तो उस पर देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, आगे जैसा होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो इनकी जो वैक्सीन है इन्होंने अनाउंस कर दी है, ठीक है, क्योंकि फेज टू का ट्रायल ही जो होता है वो कई मंथ्स में होता है, बट इन्होंने इतने शॉर्टकट में कर दिया तो उस पर क्वेश्चन तो उठना ज़रूरी है। बट रशिया ने इस पर क्या रिप्लाई दिया, रशिया ने इस पर ये रिप्लाई दिया है कि जो ये वायरस है कोविड वैक्सीन, ये कोई नया वायरस ठीक है, लेकिन इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो एक पुराना वायरस जो मर्स था, मर्स वायरस, कोरोना के पहले एक मर्स आया था बहुत सालों पहले, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इन्होंने ये कुछ उसके आसपास जैसा ही वायरस है, इसीलिए इन्होंने उसकी जो वैक्सीन थी उस वैक्सीन की हेल्प लेके इन्होंने इतनी जल्दी अपना काम कंप्लीट किया है। क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ हमारे पास हो सिर्फ उसको कॉपी करना हो या कुछ चीज़ों को चेंजेस के साथ कॉपी करना हो तो हम कोई काम बड़ी जल्दी कर सकते हैं, कुछ भी एकदम से नया अगर करना हो तो बहुत मुश्किल होती है, टाइम लगता है। बट अगर पुराना कोई थ्योरी पड़ी है तो उसी को कॉपी करके थोड़ा चेंज करके हम लॉन्च कर सकते हैं। तो रशिया कह रहा है हमने वही किया, हमने मर्स वायरस से या उसकी वैक्सीन से हेल्प लेके हमने इसका वायरस एंटीवायरस बनाया, ठीक है, तो इसकी वैक्सीन उन्होंने बना ली है। अब देखिए अदर कंट्री में इसमें किसने किसने इंटरेस्ट दिखाया है, द हेड ऑफ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो किरिल दिमित्रो हैं उन्होंने क्या कहा था कि बहुत सारे 20 मतलब मोर देन 20 कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इसको प्रोड्यूस करने में रशिया में इंटरेस्ट दिखाया है। इन्होंने ये भी कहा था कि ग्रेट इंडिया फ्रॉम ब्राज़ील इंडिया, देखिए इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये सब रशिया की तरफ से कहा गया कि ब्राज़ील इंडिया, इन्होंने भी इनको बहुत मतलब कहा है कि हमको भी वैक्सीन चाहिए, ये भी उनकी तरफ देख रहे हैं। तो मोर देन 5 कंट्रीज़ आर नाउ एक्चुअल वर्किंग विद अस, इन्होंने ये आगे ये कहा कि 5 से ज़्यादा कंट्री हैं जो हमारे साथ वर्क कर रही हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने को, प्रोड्यूस करने को लेके। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारी आज की क्लास, ये था कोरोना वैक्सीन पर जो वैक्सीन बनाई गई है इस पर हम लोग बात कर रहे थे। थैंक यू, बात करेंगे अपने आगे आने वाले टॉपिक्स पे अगले वीडियोस में। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करिए कि वैसे भी फर्स्ट कोविड वैक्सीन बन गई है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 एक दो महीने में फिर भी अक्टूबर नवंबर तक हर इंसान को मिलने लगेगी। तो आप लोग प्लीज़ करके अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, बाहर मत निकलिए, लोगों से कम मिलिए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आने वाले बहुत से एग्ज़ाम बहुत से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए थैंक यू।